ट्रेडिंग यह शब्द स्टॉक मार्केट में नए लोगों को आमतौर पर परेशान करता है। आजकल कई छोटे रिटेलर्स स्टॉक मार्केट में हैं जिन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिगनर हैं और शेयर मार्केट में काम करने की सोच रहे हैं, पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। आज इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट को डिटेल में बताएंगे। साथ ही हम डिफरेंट तरह के ट्रेडिंग स्टाइल्स को और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूजफुल एप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। यदि हम ट्रेडिंग को सरल शब्दों में समझें तो इसका अर्थ होता है व्यापार। इसका मतलब होता है कि किसी सामान या सर्विस की खरीद बिक्री करके प्रॉफिट कमाना। मतलब ट्रेडिंग का मेन पर्पस किसी भी सामान या सर्विस को खरीद कर और बेच कर कम समय में प्रॉफिट कमाना होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम कंपनियों के शेयर्स को खरीद कर और बेच कर प्रॉफिट कमाते हैं। इसका मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। हम यहाँ शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से कम कीमत पर खरीदते हैं और फिर जब उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उसे बेच देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सब्जी मंडी में कोई सब्जी वाला होलसेल सब्जी मार्केट से कोई सब्जी 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीद कर 60 रुपए किलो के हिसाब से कस्टमर्स को बेचता है तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शेयर बाजार में भी होता है। आप शेयर को खरीदते हैं और एक साल के अंदर उस शेयर को बेच देते हैं तो इसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग की समय अवधि एक साल की होती है, मतलब एक साल के अंदर शेयर को खरीदना और बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। अगर एक साल के बाद शेयर्स को बेचते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में हम शेयर्स को पहले ऊंचे दाम में खरीद कर उसे कम कीमत पर बेच कर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी हमारे पास अगर शेयर पहले से नहीं है तो भी हम उन्हें बेच कर बाद में उन्हें कम कीमत पर खरीद कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है। ट्रेडिंग बहुत रिस्की भी माना जाता है क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कुछ समय बाद शेयर्स के प्राइस में क्या चेंज होगा। यदि कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज आती है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, वहीं अगर शेयर से संबंधित खराब न्यूज आती है तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। अब समझते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट। सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों में से कुछ भी करना है तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन स्टोर कर पाते। इसके बाद हमें जरूरत होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। तीसरी जरूरत है बैंक अकाउंट की। शेयर्स खरीदने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर शेयर्स खरीदते हैं। इसी तरह जब आप शेयर्स बेचते हैं तो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और फिर उन पैसों को आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ब्रोकर्स के बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल पर अवेलेबल इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। सबसे कॉमनली की जाने वाली जो ट्रेडिंग होती है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर मार्केट के खुलने के बाद और उसके बंद होने के पहले शेयर्स को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी शेयर मार्केट का जो टाइमिंग है सुबह 9:15 से लेके दिन में 3:30 बजे तक का, उस बीच शेयर्स को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी जो ट्रेडर्स मार्केट खुलने के टाइमिंग 9:15 से दिन में 3:30 बजे तक मार्केट बंद होने से पहले शेयर्स को बाय और सेल करते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडर्स कहा जाता है। अगर आपने इंट्राडे में कोई शेयर खरीदा है और मार्केट बंद होने से पहले यानी दिन में 3:30 बजे से पहले आप अपने उस दिन खरीदे हुए शेयर को नहीं बेचते हैं तो आपका ब्रोकर अपने आप ही आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। यानी अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो ब्रोकर उन्हें बेच देगा और अगर बेच रखे हैं तो ब्रोकर उन्हें खरीद लेगा, जिससे आपकी शेयर्स की नेट पोजीशन जीरो हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स को आप पहले सेल करके बाद में बाय भी कर सकते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है कि पहले आपके पास शेयर्स हों। अगर आपके पास शेयर्स नहीं भी हैं तो भी आप उन्हें पहले बेचकर बाद में खरीद कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कंपनी के प्राइस चार्ट्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस, वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस एक्सेट्रा, इन सबको देखकर और उसे समझकर ही इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करना होता है। अगर आप इन टर्म्स को डिटेल
में समझना और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम जरूर इन टर्म्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो ट्रेडिंग आती है उसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह शेयर मार्केट के खुलने और उसके बंद होने के बीच में की जाती है, लेकिन ट्रेडर्स केवल कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए ही शेयर की खरीद और बिक्री करते हैं। यानी जो ट्रेडर्स का जो ट्रेड होता है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक ही रहता है। ऐसे ट्रेडर्स को स्कैल्पर्स भी कहा जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी काफी रिस्की होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी शेयर्स को पहले सेल करके बाद में बाय किया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर प्राइस चार्ट्स वॉल्यूम एक्सेट्रा को देखकर और उसे समझकर की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दोनों में ही आपको मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मार्केट टाइमिंग में काफी बिजी रहते हैं और अपना पूरा समय ट्रेडिंग को नहीं दे सकते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके लिए जो ट्रेडिंग सूटेबल होगी उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से काफी सेफ होती है क्योंकि आपको इसमें खरीदे हुए शेयर्स को उसी दिन बेचना जरूरी नहीं होता है और हम शेयर्स की डिलीवरी ले लेते हैं और जब इन शेयर्स में प्रॉफिट होता है तब उन्हें बेच सकते हैं। इसमें ट्रेडर अपनी पोजीशन को कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स तक रख सकता है। ऐसे ट्रेडर्स को स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। इस तरह की ट्रेडिंग में हम पहले शेयर्स को बेचकर बाद में बाय नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास पहले उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हमें पहले शेयर्स को बाय करना होता है और जब कुछ दिन या वीक्स के बाद उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो हम शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये पिछली दोनों ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से कम रिस्की होती है और आपको मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती है। बस इसमें आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी सेलेक्ट करनी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में आप अपना रेगुलर वर्क करते हुए भी आसानी से शेयर मार्केट ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल आती है उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी रिस्क काफी कम होती है और ये स्विंग ट्रेडिंग से भी ज्यादा सेफ मानी जाती है। इस तरह की ट्रेडिंग में ट्रेडर अपनी पोजिशन को कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं। यह एक तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। इस तरह की ट्रेडिंग में शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसके अंदर किसी शेयर को कुछ महीनों से लेकर एक साल तक खरीद कर रखा जाता है और फिर उन शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। ऐसे ट्रेडर्स को पोजिशनल ट्रेडर्स कहा जाता है। इस तरह की ट्रेडिंग में भी हम शेयर्स को पहले बाय किए बिना बेच नहीं सकते हैं। हमारे पास पहले वो शेयर्स होना जरूरी है जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी जो बाइंग डिसीजन है वो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्केट कंडीशंस एक्सेट्रा को ध्यान में रखकर फिर कोई बाइंग डिसीजन लिया जाता है। इसलिए अगर आप रोज रोज के मार्केट मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं करना चाहते और एक रिलैक्स्ड वे में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए काफी सुटेबल रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल आती है उसे मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग ये दोनों स्टाइल में जिनमें हम शेयर्स सेम डे खरीद कर नहीं बेचते हैं बल्कि कुछ दिन, हफ्ते या महीनों के बाद बेचते हैं, तो इस तरह की ट्रेडिंग में हम उतने ही शेयर्स खरीद सकते हैं जितना हमारे पास पैसा है। जैसे एग्जांपल, अगर रिलायंस की एक शेयर की प्राइस 2500 रुपए है और हमारे पास कुल कैपिटल 100000 रुपए है तो हम 2500 रुपए की रेट के हिसाब से रिलायंस के केवल 40 शेयर 100000 रुपए में खरीद सकते हैं। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जिसमें हमें सेम डे अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, उसमें हमें कई ब्रोकर्स 5 गुना तक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने कैपिटल से 5 गुना तक शेयर्स को खरीद सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में हम एक तरह से ब्रोकर से पैसे लेकर काम करते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में काफी रिस्क भी होती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल भी होता है। इस तरह से लेवरेज यानी मार्जिन पर काम करके हम अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा डिसीजन सही नहीं हुआ तो हमारा लॉस भी बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, नॉर्मली अगर हमारे पास 100000 रुपए कैपिटल है और हम 40 शेयर्स रिलायंस के 2500 रुपए की रेट से बाय करके 2510 रुपए की रेट से सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 40 शेयर्स पे 400 रुपए का होगा। लेकिन अगर हम मार्जिन ट्रेडिंग का यूज करते तो हम 100000 रुपए के कैपिटल में 5x मार्जिन फैसिलिटी का यूज करके हमारा कैपिटल 100000 की जगह 500000 हो जाता, जिससे हम रिलायंस के 200 शेयर्स खरीद पाते और फिर हमारा प्रॉफिट 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 200 शेयर्स पे 2000 रुपए होता। यानी एक तरह से हम अपने जो ओरिजिनल कैपिटल 100000 रुपए है उस पे हम 2000 रुपए प्रॉफिट कमाते। लेकिन इसी तरह अगर हमारा डिसीजन गलत हो जाता तो हमें लॉस भी 200 शेयर्स के हिसाब से ज्यादा हो सकता था। इसलिए मार्जिन का यूज करते वक्त हमें काफी केयरफुल रहकर रिस्क और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखकर काम करना होता है। आजकल कुछ ब्रोकर्स जैसे धन, एमस्टॉक एक्सेट्रा जो है वो डिलीवरी ट्रेडिंग यानी स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे शॉर्ट में MTF फैसिलिटी कहा जाता है, प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वे हमें 4x तक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। यानी 100000 रुपए कैपिटल पर हम 400000 रुपए तक कैपिटल के शेयर्स को डिलीवरी
डिलीवरी में बाय कर सकते हैं और फिर उन शेयर्स को अपने हिसाब से कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इसमें ब्रोकर डेली बेसिस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो एनुअली 10-18% की रेंज में होता है। अगर आप ऐसे ब्रोकर्स के यहाँ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके केवल 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगती है और MTF की फैसिलिटी भी मिलती है। अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल आती है उसे कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आप किसी कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने की नॉलेज रखते हैं, मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर कर पाते हैं और आप शेयर प्राइस बढ़ेगा या कम होगा इसका गैस भी सही सही लगा पाते हैं, लेकिन आपके पास कम कैपिटल की वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल रहेगी। अभी तक हमने जितनी भी ट्रेडिंग स्टाइल की बात की है इसमें हम मिनिमम 1 शेयर खरीद सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना हमारे पास कैपिटल होगा मैक्सिमम हम उतने शेयर्स खरीद सकते हैं और डिलीवरी में शेयर्स बाय करने के लिए आपके पास फुल कैपिटल होना चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों ही अलग अलग हैं और काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम जल्दी आपकी लर्निंग के लिए इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसे F&O ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इसमें कुछ सेलेक्टेड 150-200 कंपनीज ट्रेड होती हैं। इसमें हम 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर में ट्रेड नहीं करते बल्कि हर कंपनी का लॉट साइज फिक्स होता है और हम मिनिमम 1 लॉट में ट्रेड करते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी का लॉट साइज 250 शेयर्स का है और अगर हमें रिलायंस को F&O में बाय या सेल करना है तो हमें मिनिमम 1 लॉट यानी 250 शेयर्स में काम करना होगा। अगर हम 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो मतलब हम 500 शेयर्स में काम कर रहे हैं। लॉट में जितने शेयर्स हैं हमारा प्रॉफिट या लॉस उसी हिसाब से डिसाइड होगा। F&O में भी काम करने पर हमें मार्जिन मिलता है। अगर रिलायंस की प्राइस 2500 रुपए पर शेयर है और लॉट साइज 250 शेयर्स का है तो 1 लॉट की वैल्यू 250 × 2500 बराबर 625000 रुपए होती है, लेकिन आप काफी कम मार्जिन लगभग 2 लाख रुपए में इसका एक फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर की जगह ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू रिलायंस को ट्रेड करेंगे तो हमारा मार्जिन और भी कम हो सकता है। और भी कुछ तरह की ट्रेडिंग स्टाइल होती है जिन्हें हम शॉर्ट में चलिए समझते हैं। पहली है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग को फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें हम ग्लोबल मार्केट में करेंसीज जैसे डॉलर, रुपी, पाउंड एक्सेट्रा को बाय या सेल करते हैं। इसमें हम अलग अलग करेंसीज पेयर्स की एक्सचेंज रेट्स को स्पेकुलेट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है यानी हम इसमें कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा और हाईली लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है जहां करेंसीज को पेयर में ट्रेड किया जाता है जैसे यूरो, USD या GBP, JPY एक्सेट्रा। दूसरी ट्रेडिंग जो होती है वो होती है कमोडिटी ट्रेडिंग। इसमें हम कमोडिटीज जैसे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा और दूसरे रॉ मटेरियल्स को बाय या सेल करते हैं। इसमें कमोडिटीज की प्राइस फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर प्रॉफिट कमाया जाता है। कमोडिटी ट्रेडिंग को हम केवल फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू ही कर सकते हैं यानी हम इसमें कमोडिटीज की डिलीवरी नहीं ले सकते। तीसरी स्टाइल जो होती है ट्रेडिंग की वो होती है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो अलग अलग मार्केट या एक्सचेंज में प्राइस डिफरेंसेस के फायदे उठाने के लिए यूज की जाती है। इसमें ट्रेडर उस एसेट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसका प्राइस अलग अलग मार्केट या एक्सचेंज में डिफरेंट होता है और फिर एक साथ कम प्राइस वाले मार्केट में बाय करते हैं और हायर प्राइस वाले मार्केट में सेल करके प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये तो हमारी सारी ट्रेडिंग की स्टाइल्स को हमने ब्रीफली समझ लिया। अब चलिए समझते हैं हम इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं। ये ट्रेडिंग के कंपैरिजन में एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। इसमें हम शेयर्स को काफी लंबे समय तक के लिए होल्ड करते हैं जो लगभग 1 साल से ऊपर ही होता है। ऐसे लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं उन्हें इन्वेस्टर्स कहा जाता है जो अपनी पोजीशंस को टिपिकली 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं जबकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन और ग्रोथ पोटेंशियल के लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर की प्राइस में जो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आते हैं यानी शॉर्ट टर्म में जो कंपनी के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं उनकी चिंता नहीं करते बल्कि वो लंबे समय में अपनी कैपिटल में एप्रिसिएशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स में ट्रस्ट है और आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक बहुत ही सही ऑप्शन है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है यानी प्राइस काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, जबकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी काफी कम होती है और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी काफी कम होती है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस जैसे चार्ट्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम के बारे में जानना आवश्यक होता है। वहीं इन्वेस्टमेंट में कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस जैसे बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, पी रेशियो एक्सेट्रा की जानकारी होना जरूरी। ट्रेडिंग में स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री चेक की जाती है जबकि इन्वेस्टमेंट में कंपनी
कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। ट्रेडिंग में शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है, वहीं इन्वेस्टमेंट में शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदा जाता है। ट्रेडिंग की जो अवधि होती है वो एक साल तक की होती है, वहीं इन्वेस्टमेंट की अवधि जो होती है वो एक साल से ज्यादा की होती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है, वहीं इन्वेस्टमेंट करने वालों को इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया जाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया जाता है। अब हमने ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल्स को समझ लिया और इन्वेस्टिंग को भी समझ लिया, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब आपके लिए ट्रेडिंग सुटेबल रहेगी या इन्वेस्टमेंट सुटेबल रहेगा, और अगर ट्रेडिंग भी सुटेबल रहेगी तो ट्रेडिंग में कौन सी स्टाइल आपको सूट करेगी, ये किन बातों पर डिपेंड करेगी, चलिए देखते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग तरीके हैं शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ दोनों के डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपके लिए क्या सही रहेगा, ये आपके गोल्स, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप कितना टाइम दे सकते हैं और आप मार्केट में कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट रीडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स को और समझने की अंडरस्टैंडिंग होना और उसकी नॉलेज को इवेल्युएट करना होगा। इन सब के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग सुटेबल रहेगी या इन्वेस्टिंग। तो ये था हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, और इस तरह के ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।